बाकी बहुत सारे फंक्शन त्यौहार होते हैं पर उसमें नहीं करते हैं अभी ऐसा। और एक चीज जरूर याद रखते हैं कि हम नए कपड़े भी पहने दिवाली में, पटाखे फोड़े। और शायद सबको पता ही होगा दिवाली मनाते क्यों है, और जिसको नहीं पता है मैं बताना नहीं चाहूँगा, अब गूगल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो पता होना चाहिए दिवाली क्यों मनाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से बहुतों की जो दिवाली बहुत अच्छी हो जाती है कि हम चाहे 20,000, 30,000 या 40,000 की सैलरी लेते हैं तो उसके लिए 1,500, 1,000 या 2,000 का भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो नहीं कर पाता। हमारा एक इनिशिएटिव ये है एक दिवाली फॉर ऑल जो है, ये हम एक ऐसे गरीब आदमी चाहे जो जायसवाल हो या जायसवाल ना हो उसके लाइफ में एक छोटी सी खुशी ला सके, उसको गिफ्ट देके। आप ये जो गिफ्ट देख रहे हो इसमें कुछ गिफ्ट आइटम्स है जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है बट कुछ तो वैल्यू है उसकी। ये आप सबको एक एक लेके जाना है और आपको जो लगता है ये बंदा गरीब है उसको गिफ्ट देना है, दैट इज द दिवाली फॉर ऑल। आप चाहो 2 ले जाओ, आप चाहो 4 ले जाओ, आप चाहे 1 ले जाओ, आपको जो लगता है आप जितना वो कर सकते हो, आप चाहो 1 भी मत ले जाओ। बट रीजन ये है कि इसमें GYF और हमारे जो दादी का ट्रस्ट है उसका एक ही एम है कि हाउ टू यूनाइट यंगस्टर और स्पेशली जायसवाल यंगस्टर। आज हम लोग काफी टाइम बाद कुछ लोगों से मिले हैं जो हम बहुत पहले लोगों से मिल चुके थे, लेकिन आज भी हमारी यादें वही है कि वी चेरिश आवर मेमोरी, द यंगस्टर कैन चेरिश द मेमोरी विदाउट एनी ईगो। वो एक बहुत ही इम्पैक्ट करता है लोगों को, हमारे आगे जाने जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए। और शायद हमारा जो एक विजन है JYF का, मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने ये JYF का लोगो देखा है, अगर आप JYF का लोगो ध्यान से देखो उसमें J और Y दोनों है, जो उसका दोनों आर्म है, एक आर्म J है और दूसरा Y है। तो एंड देन इज अ ह्यूमन, सो दैट इज अ होल कॉन्सेप्ट। हमने जब अभी तक सोचा होगा, हमने किसी भी मीटिंग में जब लोगों किसी ग्रुप में डिस्कस नहीं किया कि लोगों का मीनिंग क्या है, मैं बोला जब हम एक साथ मिलेंगे तब बताएंगे। और वो ह्यूमन का हाथ ऐसा है, मतलब वेलकम फॉर ऑल। तो ये कॉन्सेप्ट है लोगों का, आप इस लोगों को हमेशा याद रखिए और इस लोगों के साथ जुड़िए। डेफिनेशन ऑफ यंगस्टर जो हमारा है वो ये कहता है कि आपका माइंड सेट यंग होना चाहिए, आप भले 70 साल के क्यों ना हो, आप 100 साल के भी होके आप सही सोच रह सकते हो और हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो और हमें एक डायरेक्शन दिखा सकते हो तो भी आप यंगस्टर हो। और वो ही एक जरूरत है हमारे सीनियर से। ये जब हमने इनवाइट बनाया था, हमने किसी को इनवाइट नहीं भेजा, आप उसका बुरा मत मानिए, हमने सबको बोला, उस पर लिखा हुआ था दिवाली फॉर ऑल एंड ऑल जायसवाल यूथ आर वेलकम। देर वॉज नॉट अ सिंगल प्लेस वी हैव मेंशन एज ग्रुप इन दैट इंटायर लिस्ट। People have taken differently. I don't mind. And I'm sorry if somebody has felt bad about it. It was not intentional. Okay? तो reason हमारा यह है कि चीजों को कैसे हम उसको grow करें। JYF का meaning यह है कि हाथ इस तरह से है और सब लोग welcome है उसमें, चाहे जायसवाल हो, जायसवालों को एक साथ लाना और youngster को एक साथ लाना हमारा motive है। और उसके लिए आप जैसे young लोगों को जुड़ना चाहिए और एक support करना चाहिए। This is a concept for the people and by the people. We are such a long tale of or different, what do you call, community. Gupta, Jaiswal, Sivani, Patani, Abtu, Mewada, Wada, kahan se bhi log alag hai. Everyone who is Jaiswal, they are one family. Aur I think hamara youngster hi usko soch sakta hai ki usko kaise karna hai. Hum yahan pe 100, 200, 250 log aaye, jitne bhi log aaye. ये बहुत जरूरी है कि हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। जरूरी ये नहीं है कि हमें एक इवेंट करके, इवेंट में बैठ के हमें लोगों का वो क्या बोलते हो, वेलकम करो, खाना खिलाओ, जाओ 20-25 लाख खर्चा कर दो। मैं बोलता हूँ 25 लाख का कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे हमारे गरीबों गरीब जायसवालों को फायदा हो, तो कुछ फायदा है। 25 लाख में अगर आपने 1-1 लाख रुपया 25 फैमिली को दिया तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। आप ये बात मेरी मानिए, 25 फैमिली आपको बहुत वो करेगी।
JYF के सारी एक्टिविटीज हम फ्यूचर में करेंगे तो एक ही एम होगा, फॉर द सोसाइटी। और सारा जो हमने बोला है कि फंडेड बाय सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, वी विल नॉट गो एंड आस्क फॉर मनी, बट वी ऑलवेज वेलकम पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट फ्रॉम देयर ओन। मतलब आपको लगता है कि आपको डोनेट करना है, बाय एनी मीन्स यू कैन कम एंड डू दैट। इस साल ये गिफ्ट स्पॉन्सर्ड जो भी है सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का है, नेक्स्ट ईयर आप अपना एक एक गिफ्ट अगर ला सकते हो उसके अंदर, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने शुरुआत की है लेकिन अगले साल आप कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक पेन ही क्यों ना उसके अंदर। इस बॉक्स में भरना है, अपना टारगेट होगा कि अगले साल जब बॉक्स बने तो ये पूरा भर के जाए। ये कॉन्सेप्ट होता है और ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। समाज इसलिए नहीं है कि हम चाहते क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमें समाज में नाम। मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, हमारा JYF का एक थोड़ा कंफ्यूजन था कि JYF बंद हो जाएगा, JYF का कुछ हो नहीं रहा है, जायसवाल फेडरेशन था फिर जायसवाल यूथ फेडरेशन हो गया। देखो जायसवाल और फेडरेशन तो वही है, बीच में यूथ आ गया। आपने सोचा जायसवाल फेडरेशन तो वही है, बीच में यूथ आ गया, मतलब हमने तो कुछ चेंज ही नहीं किया ना। There's nothing changed. We have added youth in it. So, आप अगर बोलते हो कि जायसवाल फेडरेशन बंद कहाँ हुआ, जायसवाल फेडरेशन एक नए स्टेप में आगे बढ़ गया जिसमें हमने यूथ को ऐड कर दिया, which means that we have a youth as a part of it. And youth has to hand. Youth can handle you. जो हमारे सीनियर है उनको हैंडल करने के लिए सपोर्ट चाहिए और इसलिए बीच में यूथ होना चाहिए। ये चीज हमें याद रखना है, विदाउट यूथ हमारा कोई भी कम्युनिटी, हमारा कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, एंड विदाउट दिस वी विल नॉट सक्सीड। ये छोटा सा ग्रुप हमारा बन सकता है अगर 25 या 15 लोग का एक कमेटी। आज दूसरा एजेंडा भी है हमारा कि कमेटी बनाएंगे जिसमें मैं कंप्लीटली आउट रहूंगा, सिर्फ सपोर्ट करूंगा आप लोगों को। संदीप गुप्ता, राजदीप गुप्ता विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी समाज, एंड बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ एवरी समाज। जितने भी संस्थाएं हैं हम सबका सपोर्ट करते हैं और जितनी भी संस्थाएं उनको सपोर्ट करते रहेंगे आगे जाके। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि आज JYF का एक अपना ग्रुप बन जाए और उस JYF का ग्रुप उसको आगे ले जाके उसको आगे प्रोसीड करे। कैसे एक्टिविटी करना है, कैसे क्या चीज नेक्स्ट करना है, लेट देम डिसाइड। ओके, एंड ट्रस्ट मी वी हैव अ वेरी गुड टैलेंट। जायसवालों में बहुत ही अच्छा टैलेंट है। मैं अभी एक बच्चे से मिला, पवन जायसवाल, बहुत सालों बाद वो ज्वाइंट दिखा मुझे। वो बच्चा अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया उसने, VJTIC, राइट, एंड ही गॉट द फर्स्ट ऑफर फ्रॉम L&T। अपने मनोज जायसवाल का वो है, वो L&T छोड़ के रिजाइन करके कुछ फर्दर स्टडी भी कर रहा है, MS कर रहा है। दिस इज इनकरेजिंग, मतलब इस तरह से हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड वी एज अ ट्रस्ट हमारा जो है आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स। ये तीन चार चीजें जो हमारी बहुत है, लीगल भी है हमारा, कल्चरल एक्टिविटीज भी है। व्हाट वी वांट इज वी विल ट्राई टू फॉर्म अ टीम ऑफ 13 पीपल और 16 पीपल टुडे, जो वो बाद में अपनी खुद की कमेटी बनाए। मेजर कमेटी होनी चाहिए आपकी एजुकेशन और हेल्थ पे, बहुत जरूरी है। सेकेंड होना चाहिए आपका स्पोर्ट्स पे, जो कि वो भी जरूरी है। थर्ड होना चाहिए आपका लीगल और अदर एक्टिविटीज जो भी होती है। और लास्ट एक मेट्रोमनी एक होना चाहिए। और मेट्रोमनी मैं यही बोलता हूँ कि हमारे जब इतने टैलेंटेड लोग हैं और एक दूसरे से मिलते रहेंगे और हम उनको पेरेंट्स को ही बोलेंगे कि आप ऑनलाइन जाके देख लो, सारा चीज़ अवेलेबल है आपको। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। मेट्रोमनी हमारा एक बड़ा ही एक औरत है कि हमारा वो परिचय सम्मेलन होगा जहाँ पे 1500 रुपया लेंगे, 2500 रुपया लेंगे। क्यों इस तरह, इतना बड़ा हॉल है, आप आइए यहाँ पे परिचय सम्मेलन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ फ्री है, कर लीजिए आप। या तो आने की जरूरत भी क्या आज की डेट में, मैं तो एक हमेशा बोलता हूँ, देयर इज अ वेबसाइट, डू एवरीथिंग ऑनलाइन। आज की डेट में व्हाई यू वांट टू ट्रैवल, यू नीड टू ट्रैवल फॉर मीटिंग लाइक दिस व्हिच इज रिक्वायर्ड, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाई कैन वी हैव अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी कैन, हम कर सकते चीजों को। सो हमारे ये कुछ पॉइंट्स है कि ये आइडियाज है और आई वॉन्ट योर सपोर्ट। एटलीस्ट आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ JYF today, but I will support JYF, which means that we will create a team for JYF.
क्योंकि वो टीम इसको आगे ले जाएगी. और वी वॉन्ट द एजुकेटेड, नॉट ओनली एजुकेटेड बट ऑल्सो enthusiastic people to come forward. Okay, education is not the criteria of a success. Okay, it is just one of the factor of a success. Okay, so what we need is people who has a talent in any part of any field, come forward, be a part of the 16 member team. Agar main abhi se puchu ki kitne log ready hai isme ek committee mein part hone ke liye, can people raise hand? Brilliant, there are so many. Thank you very much. थैंक यू. छोटा सा एक ग्रुप जब बड़ा होता है तो एक समाज बनता है, इतना याद रखना. समाज का कोई डेफिनेशन नहीं है कि समाज क्या होता है. ये तो हम जो है समाज बनाते हैं, नहीं तो समाज तो एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है. आइदर यू बिलीव इट और नॉट, इट्स जस्ट फॉलो अप. लेकिन समाज ये होता है कि जब एक यूनिटी के साथ कोई काम किया जाए और वो यूनिटी हमारा ये हो कि फॉर अ बेटरमेंट ऑफ आवर डाउन ट्रोडन पीपल, जो लोग गरीब हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करो ताकि वो आगे जाके हमारे सपोर्ट से कुछ भी आगे कर सके. हमारी वो बच्ची भी, क्या नाम उसका, आपका नाम क्या बच्ची, नेहा जायसवाल भी यहाँ पे है. शी गॉट कितना, 89% वो आपके नवभारत टाइम्स में उसका काफी आया हुआ है. और थैंक यू, उनके पापा भी आए शायद. थैंक यू सर आने के लिए, आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप आए. और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने इनको कोई इनवाइट भी नहीं भेजा था, वो अपने दिल से आए हैं. और उनकी बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है, ऐसे बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं. जो भी एजुकेशन में हमारा फील्ड होगा, दे शुड टेक केयर ऑफ द न्यू टैलेंट ऑफ जायसवाल. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे जायसवाल भाइयों का टैलेंट है वो मरना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटी. मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर हम सब मिलके, अगर कई हमारा बच्चा है जिसको यूएस में तो स्टडी भूल जाओ, अगर आईआईटी में एडमिशन मिल गया है उसको, पर उसका फीस एक आशा थी कि अभी हम सब सीनियर लोग बहुत एजड हो रहे थे, हम लोगों को यूथ की जरूरत थी. आज राजदीप भाई साहब की बातें सुन के हम लोगों को इतना सुकून मिल रहा है कि आगे की हम लोगों की पीढ़ी सच में बहुत, इनका जो विजन है, इनका विजन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सक्सेसफुल है और सबके लिए बेनिफिशियल है. और पहल की जो बात कर रहे हैं, इनके पहल ग्रुप में शायद मैं ही एक 58 इयर्स की ज्वाइन हुई हूँ. और इनका विजन सच में, हम सीनियर लोगों का तो इनका तहे दिल से सपोर्ट है. और आप लोगों का भी हम चाहेंगे कि बहुत तहे दिल से सपोर्ट रहे और आगे हमारा सोसाइटी आगे बढ़ता रहे. 5000 पीपल, तो उसमें जायसवाल कितने ऐड हो सकते हैं. देयर इज अ रूम फॉर एवरीवन. तो यंगस्टर ये मत सोचे कि अगर आपका कोई जायसवाल भाई जो बेसिक एजुकेशन भी चलेगा, टेंथ भी चलेगा, उसके लिए एमकॉम एमबीए होना जरूरी नहीं है. भाई आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हो हमारा उपराले में. इट इज कॉल्ड एज कॉल टू कनेक्ट. एंड आई विल मेक श्योर राहुल पांडे इज हियर. कहाँ हो, टूर्नामेंट किया था जनवरी से आज अक्टूबर है, 8 महीने के अंदर हमने 3 इवेंट किए हैं, तीसरा इवेंट है. तो कहीं ना कहीं एक अलग है. जेसीएल भी एक युवाओं को एक साथ लेके आया था और ये भी एक साथ लेके आ रहा है. और पहले एक ऐसा मॉडल है हमारे जो हाउस वाइफ है वो एक काम कर सके घर बैठ के. एंड दैट इज स्टिल वी आर गोइंग टू ऐड मोर पीपल. हम कुछ लोगों को ऐड कर रहे हैं उसके अंदर नए वर्जन 2 में, धीरे धीरे करेंगे उसको. बट ठीक है, अब मैं कुछ चाहूंगा कि कुछ लोग आए और अपने यंगस्टर आए एंड कुछ आइडिया लेके कैसे होना चाहिए. आप अपना हाथ उठा सकते हो अगर राहुल, प्लीज कम फॉरवर्ड, एक एक करके आ जाओ और राहुल भी आ जाए. एंड आई वांट एवरी यंगस्टर टू स्टार्ट कम एंड टॉक फ्रॉम हियर. बहुत ही अच्छा है, लेकिन आने चाहिए वो दो भावों के बीच में, सब आने चाहिए. रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, बट ऑब्वियस हमें सपोर्ट करना चाहिए. एंड लाइक Diwali for all, not only Root Mobile, but here working 8 to 10 committees in Mumbai, they should also support. उन्होंने जैसे बोला एक पेन, पेन तो बहुत छोटी बात है, कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ चीज जा सकते हैं. जैसे आज ये एक कैरी बैग जा रहा है,
सामान उसके अंदर सामान है, तो वही सब इसमें हम ऐड कर सकते हैं और वो बॉक्स की तरह जाना चाहिए। वी आर लैकिंग बिहाइंड कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, मतलब इस चीज को करने के लिए ये लाइन का हिंदी में अर्थ है कि सिंपल बनना, साधारण बनना बनना इतना भी साधारण नहीं है, क्योंकि साधारण बनने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। एंड कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन मीन्स डेफिनेटली कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, अभी जस्ट एक कागज का टुकड़ा मैं नीचे फेंक रहा था कि मतलब कहाँ रखूँ, आई कुड नॉट फाइंड द डस्टबिन, दैट्स नॉट अ मैटर। मोदी जी आई एम सॉरी नॉट पुटिंग एनीवेयर एज अ प्राइम मिनिस्टर, मेरे मन में उन्होंने जो आज मैं 43 इयर्स का हूँ, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मैं कचरा फेंकते वक्त कभी हम लोग क्योंकि आज यहाँ जमा हुए हैं, ये इसका जो सारा मतलब श्रेय जाता है वो राजदीप भाई को जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ही स्टार्ट किया जो क्रिकेट है, एक क्रिकेट ही मुझे लगता है इंडिया में नहीं कि जहाँ जहाँ क्रिकेट खेला जाता है वही एक क्या कहते हैं माध्यम है जिससे यूथ को जोड़ सके हम, तो वो काम राजदीप भाई ने किया। बहुत से क्रिकेट टूर्नामेंट हुए जहाँ मतलब पैसे लगते थे पर कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, जिनके पास टीम थी वो अखिल मुंबई जायसवाल से महिला अध्यक्ष हूँ। सब लोग बड़ा बड़ा काम करने को बोलते हैं, हेल्थ रिलेटेड, मेडिक्लेम या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी बी पंचुअल। पहले तो सबसे पहले आप टाइम पे आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लेट आने से वो लोग सफ़र करते हैं जो टाइम पे आ जाते हैं। तो कोई भी काम करने के पहले आपको अपने टाइम का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पे आप टाइम पे पहुँचे। मैं सी ए रामानंद गुप्ता, और मैडम ने जैसे बोला टाइम पंक्चुअलिटी, ये वाकई बहुत 100% ज़रूरत है और इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। तो बोलते हैं ना कि बस छूट गई, मैं आ रहा था बस छूट गई, मैं क्या करूं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए सभी को। अभी सवाल है JYF, हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं JYF, जायसवाल यूथ फेडरेशन। हैप्पी दिवाली। जो इनिशिएटिव लिया है दिवाली फॉर ऑल, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, और थोड़ा सा आपका जो फेडरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा जो फेडरेशन है जायसवाल यूथ फेडरेशन सपोर्टेड बाय सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, एक हमने हमेशा ये सोचा है कि दिवाली जो एक नॉर्मल आदमी जिसका 30,000 से 40,000 पगार होता है तो अच्छी तरह से दिवाली मना सकता है, अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं लेकिन अच्छी तरह से मना सकता है, पर हमारे समाज का एक ऐसा तबका है जो शायद दिवाली के समय सोचता है कि हमें कितने पैसे उसको बचाना है या कैसे करना है, और शायद वो कुछ अच्छी तरह से दिवाली नहीं मना सकता है। तो हमारे ट्रस्ट से और हमारे ये JYF ने हमने मिलकर कोशिश किया है कि उन वंचितों और उन गरीब बच्चों को या उन गरीब फैमिली को क्यों ना हम थोड़ी सी खुशी दें, और उसके लिए हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किया है जिसमें हमारे एक गिफ्ट वाउचर बनाया है, सॉरी गिफ्ट पैक बनाया है, जिसके अंदर कुछ गिफ्ट है, यूटेंसिल्स है, चॉकलेट है, क्रैकर्स है, दिया है और स्वीट्स हैं, ताकि उनको एक खुशी आ जाए उनके जहन में और वो उस दिवाली को एक अच्छे ढंग से मना सके, यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है। और उसके लिए मुझे सारे जायसवाल 6 संस्थाएं जो मुंबई की, उसका पूरा सपोर्ट मिला हुआ है और मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूं, और हमारे जो यंग बच्चे जो वो है JYF के, वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं इसको। सर इसके अलावा क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं, जैसे एजुकेशन का बड़ा सवाल है और भी बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास लोग भी हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं, उनके लिए क्या क्या आप लोग करने वाले हैं, क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं? जैसे बस सही पूछा आपने, एजुकेशन जो कोर है, एजुकेशन एक कोर है जो किसी भी संस्था किसी भी समाज को एक दूसरे प्रगति पर पथ पर ले जाता है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी संस्था सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत जल्दी एक स्कूल का अनाउंस करने वाली है कि हम एक स्कूल फॉर्म करने वाले हैं, इसमें हम उन बच्चों को
जो गरीब बच्चे हैं उनको भी सीट रखेंगे, उनके एजुकेशन के लिए अच्छा काम करेंगे, और साथ में हमने हेल्थ के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स रखा है ताकि हमारे जो गरीब तबका है उनके लिए, उनके हेल्थ के जो मेन हेल्थ इश्यूज़ के, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ काम हो सके। जी सर, इसके अलावा ये जो फेडरेशन है इसके अंदर क्या सिर्फ जायसवाल जुड़ सकता है या फिर कोई भी आके मतलब जुड़ सकता है? फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ जायसवालों को एक लाने का कोशिश किया है कि जैसे ये हमारा ग्रुप बढ़ेगा तो हम बाकी और लोगों को, उत्तर भारतीयों को इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि उत्तर भारतीय हों, ये सारे ओपन कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो भी गरीब है या जो भी, जो जैसे मेडिकल सपोर्ट होता है वो हर एक के लिए ओपन है हमारे ट्रस्ट से, और पिछले कई सालों से हमने ये अलग अलग कम्युनिटी के लिए करते आए हैं और करते रहेंगे इसके लिए। सर, इसके अलावा जॉब की भी बात की आप लोगों ने, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जॉब को लेकर किस तरह का इनिशिएटिव है? सो जॉब आई थिंक हमारे जायसवाल में बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनका जॉब की ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। सिंस हमारा खुद का एक कॉल सेंटर है जिसमें लगभग 1700 लोग काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगले एक महीने के अंदर हम कुछ ऐसा जॉब फेयर का ऑर्गेनाइजेशन करें जिसके थ्रू लगभग 200 जायसवाल बच्चों को जॉब दे और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि अपना टैलेंट आके दिखा सके। रमानंद, हाँ तो बताइए सर, आप लोग इस संस्था से जुड़े हैं और जो बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है राजदीप सर की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, और यंगस्टर्स को किस तरह से इंक्लूड होना चाहिए इस इनिशिएटिव में और क्यों होना चाहिए? जैसे कि मैं जायसवाल फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे जायसवाल बहुत सी संस्थाएं हैं जो जायसवाल समाज के लिए काम कर रही हैं, तो जो राजदीप भैया हैं इनकी सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट है और जो इन्होंने न्यूली फॉर्म किया हुआ यूथ फेडरेशन, उसके माध्यम से हम जो लोग हमारे मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके में है, लोग जो समाज से जुड़े नहीं हैं और निचले दबे हुए वर्ग से में मतलब आते हैं, तो उनको हम ऊपर लाएं, इनके अंदर टैलेंट है उसको ऊपर लेके आएं, इसका काम हम करेंगे आगे चल के। और मैं चाहता हूँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि यूथ को आगे लेके आएं, क्योंकि झंडा तभी रुकेगा जब तक जब उसके अंदर डंडा होगा। थैंक यू। जायसवाल फेडरेशन के साथ हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं और जायसवाल सेवा संस्था की का हमेशा सपोर्ट रहेगा जायसवाल फेडरेशन में, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जायसवाल फेडरेशन के तहत और जो भी इनिशिएटिव राजीव भाई की तरफ से लिया जा रहा है, फुल्ली सपोर्ट करेंगे हम लोग जायसवाल सेवा संस्था के पूरे यंगस्टर और जायसवाल सेवा संस्था की पूरी कमेटी। थैंक यू वेरी मच। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जायसवाल ही होगा और कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, प्रोबेबली मेंबर्स विल बी लाइक जायसवाल बट सर्विस विल बी फॉर ऑल। तो इसमें बहुत सारे जो भी सोशल इनिशिएटिव है, जो जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, और भी जब और भी आगे आगे एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे, जैसे मैराथन वगैरह है, ऐसे एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे एंड जिसमें ओनली जायसवाल होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें कोई भी एवरीबॉडी विल बी इन्वॉल्व फॉर दिस सोशल कॉज। हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो कि उसके कमेटी पर राजदीप भाई और संदीप भाई के थ्रू हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है एक अचूक है, क्योंकि युवाओं में शक्ति होती है जो कुछ कर गुजरने की एक चाहत होती है और एक मौका उनको मिलना चाहिए। अगर उनको मौका और प्रॉपर प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो कोई भी असंभव चीज़ को करने में हिम्मत रखते हैं और वो करके दिखा सकते हैं, क्योंकि वो समाज को नई दिशा युवा लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि उनमें एक नया जोश, एक उमंग रहता है, एक तरंग रहता है, उसके माध्यम से वो समाज को नया मैसेज, नए दिशा और एक कार्य प्रणाली को चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले दिनों में। और जो जिस तरह के इनिशिएटिव सर ने बताया, एजुकेशन, जॉब और स्पोर्ट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है इनिशिएट करने वाले हैं आप लोग, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, राहुल जायसवाल फ्रॉम जायसवाल सेवा संस्था वसई। जैसे कि यहाँ पे 8 से 10 कमेटी जो काम कर रहे हैं, जो सब सारे के सारे जुड़ गए जायसवाल यूथ फेडरेशन, द ऑल क्रेडिट गोज टू राजदीप गुप्ता एंड संदीप गुप्ता। अबाउट स्पोर्ट्स, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, ही हैज गिवन द प्रायोरिटी टू स्पोर्ट्स एज वेल। सो स्पोर्ट्स में जैसे कि हाँ, जायसवालों में काफ़ी टैलेंटेड है, आज आप यशस्वी जायसवाल को देख ही रहे, जस्ट 2 दिन पहले उसने डबल सेंचुरी किया, सो जस्ट वी आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हिम एंड वील प्रे फॉर हिम डेफिनेटली एंड मेनी थैंक्स फॉर राजदीप गुप्ता एंड संदीप गुप्ता। थैंक यू। उसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग अपनी तरफ से किस तरह के एफर्ट्स डालने वाले हैं? मैं संजय गुप्ता, सेक्रेटरी डोंबिवली जायसवाल समाज सेवा संस्था। स्पोर्ट्स के बारे में स्पेशली जो
जो सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन्होंने जो टूर्नामेंट लिए थे इसमें हमारी टीम डोमिले ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और आखिरी दौर तक वहाँ चले थे। हमारे समाज के बच्चों को एजुकेशन साथ साथ स्पोर्ट्स में किस तरह से उन्नति हो, इसके बारे में जो स्पेशली सरस्वती देवी ट्रस्ट के जो राजदीप जी और संदीप जी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो तारीफ़ काबिल है। और एक बात मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, हमारी जायसवाल की बहुत ढेर सारी संस्थाएं बम्बई में चलती हैं तकरीबन 10-12, और इनको बहुत कठिन काम है कि जो एक लेकर चले, जो कठिन काम को बहुत आसान तरीके से लाकर आज इस एक प्लेटफॉर्म पर सभी संस्था के पदाधिकारी और उनके मेंबर्स यहाँ हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं अखिल मुंबई जायसवाल सभा से युवा अध्यक्ष हूँ और मैं राजीव सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका दिया आप कहने का बोलने का भी बात रखने का। और मेरी क्या इच्छा है जो मतलब हेल्थ के बिना भी, जैसे हेल्थ मतलब फिटनेस है, स्पोर्ट्स, उसमें एक बॉडी बिल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ के रिगार्डिंग है। आज बहुत सारे मतलब बोले ना इस विषय में मतलब हम लोग मतलब काम करना चाहेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब इसके ऊपर जितना ज़्यादा मतलब मैं अपना बैच दे सकूँ। थैंक यू। मैं शीला जायसवाल डोंबिवली से हूँ, महिला अध्यक्ष हूँ। जायसवाल फेडरेशन, यूथ फेडरेशन ने जो डिसाइड किया है, हम लोग उनके साथ रह के काम करने के लिए सपोर्ट हो गई, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो हम लोग तैयार हैं उनके साथ काम करने के लिए। मैं मिसेस संगीता अशोक जायसवाल, एरोली नई मुंबई से, जायसवाल समाज की वहाँ की सचिव के पोस्ट पे हूँ। इस ग्रुप में यहाँ पे मैं बन के नहीं, अगर हम लोग बन के सब हम बन के काम करेंगे तो सब अच्छे से होगा, यहाँ पे हम बन के ही हम लोग काम करेंगे। मैम आप बताइए। मैं कंचन जायसवाल अखिल मुंबई समाज से महिला अध्यक्ष हूँ। हम पूरे मुंबई में काफ़ी समाज है, 8 से लेकर 9 समाज है, लेकिन ये पहला हमें प्लेटफॉर्म मिला कि जायसवाल यूथ फेडरेशन राजदीप और संदीप जी की वजह से कि हम सब लोग एकजुट होके एक मंच पे एक प्लेटफॉर्म पे सब लोगों का साथ, बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, उस तरह से हम एक साथ मिलके और सबका विकास करना चाहते हैं और हर लेवल पे हेल्थ हो और लाइफ इंश्योरेंस हो, जॉब हो, जो भी हो, युवा से लेके वृद्ध तक हम उनका विकास करना चाहते हैं और हम सब राजदीप और संदीप जी के साथ हैं।